ये रोबोट अभी तक बलूचिस्तान में किसी ने नहीं बनाए हैं। हम ये पहले फिजिक्स के बच्चे हैं जो कि हमने इसको तख्लीक किए। इस रोबोट में बहुत सी फीचर्स हैं, ये आगे भी चल सकता है, पीछे भी जा सकता है और मतलब अपनी आंखें भी हिला सकता है, ऊपर नीचे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, और गर्दन भी हिला सकता है। आप उससे हाथ मिलाएंगे तो वो आपसे बातें भी करेंगे, फिर जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपका जवाब भी देता रहेगा। आगे मतलब वो चलता रहता है और यूँ इस तरह और इस तरह देखता भी रहता है। तो एज अ सिक्योरिटी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें कैमरे फिट कर सकते हैं कि जब भी कोई मतलब वारदात या कोई और चीज़ रिस्क वाला हो जाए तो आप जब उसको देखते हैं तो फौरन से मतलब सायरन वगैरह बजा देता है। इसके पाँव से हमने इसकी शुरुआत की, तो इसके पाँव से लेकर मैं इसके हाथ और इसके गर्दन तक मैंने बनाया, और इसके बाद इसका जो सर है वो अजीज़ शाहवानी ने बनाया। इसको बनाते हुए हमारे मुश्किलात तो बहुत सारे थे, क्योंकि हम एक ऐसे फील्ड ऐसे प्रोजेक्ट पे जा रहे थे जो यहाँ पर जिसके लिए फैसिलिटीज़ है ना, कोई हमारे पास डिवाइसेज है और ना ही जो स्पेसिफिक जो मोटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं रोबोट्स के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसको बनाते हुए हमने कुछ ऐसे जो हमारे लोकल मार्केट सामान पुर्जे वगैरह है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने ये उसको तख्लीक की। ये रोबोट कॉपी नहीं है, हमने किसी से कॉपी नहीं की है। मुख्तलिफ गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह के मोटर्स या उसकी चैन वगैरह या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं हम उन्हीं से बनाए हैं उनको। और जिसके ये सर है उसको हमने 3D प्रिंटर पर बनाए हैं, एक मटेरियल आता है PLA फिलामेंट, उसकी मदद से हमने ये बनाए। तो इसको हम आगे इस पर काम करके हम इसको मुख्तलिफ सेंसर्स विजन्स और मुख्तलिफ मोटर्स के ज़रिए हम एक पूरा जो पूरी दुनिया में हम मुख्तलिफ टेलीविज़न और इंटरनेट पे देखते जिस तरह के रोबोट्स फंक्शनिंग करते हम उसको उस शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं। मुस्तकबिल में हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ही ले जा रहे हैं। इसमें मज़ीद भी काम करेंगे क्योंकि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, अपनी मदद आप इसको बनाएँ